रहते हैं तो पापा ही रहते हैं यहाँ पे, लेकिन इस फर्श को बाहर ही करना होता है। और मुझे पहले तो मैं अंदर करती थी, बट इस टाइम पे मुझे ठीक लगता है, क्योंकि ये जो हमारा गेट है ना, ये बड़ा सा लग गया है, तब से मेरे को ठीक लगता है बाहर आने जाने में। एंड यहाँ पे ये भी उठ चुके थे और ये बोल रहे थे कि नीचे से खोलोगी ना वॉश मशीन का टैप तो वो पानी गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा। मैं बोली ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से उसको देखूंगी। और बस अभी स्पर्श भी ब्रश कर लिया है और मैं जाऊंगी अभी अंदर। और आज ना सुबह सुबह उठना पड़ा, क्योंकि आज आगे बताती हूँ कि क्या है, मतलब कौन जा रहा है हमारे घर से, क्या है, कुछ है क्या। तो थोड़ा वैसे हम लोग लेट उठते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि एकदम 5 बजे या 4 बजे उठ जाना, लेकिन कभी कभी जब ऐसा कुछ रहता है तभी सुबह उठना पड़ता है। स्पर्श का फेस वॉश भी मैं कर दे रही हूँ अभी साथ ही साथ। अभी सुबह का टाइम हो रहा था तो अभी किचन में आ चुकी हूँ ब्रश वगैरह करने के बाद। एंड मम्मी जी अभी किचन में ही थी और वो नमकीन वगैरह कुछ निकाल रही थी, क्योंकि उन्होंने भी अभी ब्रश कर लिया था और अभी बन रही थी किचन में चाय। तो जो जो चाय पीता है उनके लिए मीना बना रही थी अभी चाय। स्पर्श अभी ब्रश करने के बाद दादी से आया था बिस्किट मांगने के लिए तो क्योंकि ना आजकल उसको ना मैरी गोल्ड ही हर जगह बिस्किट मिलता है। मैरी गोल्ड बिस्किट पहले बिल्कुल भी नहीं खाता था, लेकिन अभी वो खाने लगा है। और जो थोड़े बहुत बर्तन थे तो इधर मैं सोची कि चलो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ फटाफट से। और मम्मी जो मतलब नमकीन होता है ना चाय के साथ, नमकीन वगैरह वही मम्मी निकाल रही थी, मीना चाय बना रही थी और मैं अभी बर्तन को वॉश कर रही थी। और हमारे घर में मेड थी, लेकिन अभी फ़िलहाल इस टाइम के लिए है नहीं वो, शायद मम्मी से मैं पूछी तो बोल रही है कि अभी मैंने उसको हटा दिया है। रात को जो मैं सोई थी ना, एक ही बार मैं सुबह उठी, इतनी तेज़ नींद आई थी, क्योंकि मैं ट्रेन में भी जगी रही थी, मुझे जगह ही नहीं मिल पा रहा था सोने के लिए। स्पर्स पूरी रात सोया था ट्रेन में और मैं जगी रही, तो बस आज मेरी नींद थोड़ी सी पूरी हुई है, बट फिर भी सुबह सुबह उठना पड़ा था। और यहाँ पे ना अभी मिल्क भी आ चुका है, मिल्क भी गर्म हो रहा है, साथ ही साथ चाय भी अभी बन चुका है और सब लोगों को चाय दिया भी जा चुका है। देन मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा नमकीन और मैं एक आध बिस्किट लेके मैं भी सोची कि चलो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी ना दवाई खानी थी अभी। और बस यहाँ पे मीना मिल्क को गर्म करके उसको कर रही है मिक्स, एंड मैं स्पून ढूंढ रही थी कहीं मुझे स्पून मिल जाए। और मम्मी मतलब सब लोग इस टाइम पे बिज़ी होते हैं, मॉर्निंग का टाइम ही ऐसा होता है। बस मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ और ये थोड़ा सा कुछ खाने के बाद फिर मैं अपनी दवाई खाऊंगी। तो साथ में ना मुझे कुरकुरे भी मम्मी जी ने दे दिया, स्पर्श के लिए रखी थी बट वो सामने। स्पर्श गुड मॉर्निंग, और इधर मीनू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोले गुड मॉर्निंग। अब मीना साथ डाली तो मतलब क्या, पहले तो खा के देख ली तो बढ़ने लगे तो खाई, एक चम्मच में काट खाओ, एक बार मुंह में डाली। और अभी साथ जा रही है अपने मायके,
तो वो अभी तैयार वगैरह हो चुकी है और संपर्क भी तैयार हो चुका है, बैग भी उनका पैक हो चुका है और इधर निकल के आ रही है मीनू और इधर मीना है। तो बस यहाँ पे ना वो लोग जा रहे थे, इसीलिए हमें सुबह सुबह उठना पड़ा था। और यहाँ पे अभी टाइम आई थिंक ना 8:30 का आसपास हो रहा था और बस यहाँ पे खोइंचा देने वाली थी, मैं दे रही हूँ। मम्मी जी यहाँ पे खड़ी हैं, मीनाक्षी है, क्योंकि मायके या ससुराल जाते हैं तो होता है ना, तो बस अभी उसकी विदाई हो रही है, उसके मायके में शादी है मतलब उसके गाँव पर, तो वहीं पर वो मतलब मायके का जो गाँव है ना वहाँ पर वो उसको जाना है। और यहाँ पे बस अभी सब लोग निकल रहे हैं, जाना है तो, और मम्मी जी अभी कर रही हैं ब्रश और यहाँ पे ये लेके मीनाक्षी को लेके और घूम रहे थे, इनके पास नहीं जाती थी लेकिन अभी ना वो जाने लगी है आज सुबह से। और बस हम लोग भी यहाँ पे अभी बाहर आ चुके थे, पापा बाहर खड़े हुए हैं मीनाक्षी को लेके, और यहाँ है संपर्क है ना, और बस ये रेडी हो चुका है, निकलना रह गया है। तो यहाँ पर सबके पाँव छू रही है साधना और ये लोग अभी तो यहाँ पे वो लोग जा चुके हैं और मम्मी स्पर्श को पकड़ रही थी, क्योंकि स्पर्श बोल रहा था ना कि मैं भी जाऊँगा, तो बस मम्मी बस इसको लेके अभी आ गई हूँ। और मैं यहाँ पे ना अभी फिर बॉल लेके आ गई हूँ, स्पर्श एक्चुअली ना खेलता ही नहीं है, कितना भी हम कोशिश करते हैं वो ज़्यादा दौड़ दौड़ के खेल नहीं पाता है। तो हम यहाँ पर सोच रहे कि चलो जितने दिन हैं उतने दिन उसको हम प्रैक्टिस कराते हैं। तो यहाँ पर मीनू का बॉल है ये, वो तो अच्छे से खेल रही थी बट स्पर्श नहीं खेलता है। मैं एकदम पकड़ पकड़ के उसको दौड़ा रही थी कि स्पर्श पैर से मारो मारो, लेकिन वो कर नहीं रहा था। तो बस उसके बाद ना ये आधे घंटे बाद का क्लिप है और मैं अभी किचन में जा रही हूँ अभी रोटी बनाने के लिए, सब्जी अभी बन रही है तो मम्मी जी अभी उसको बना रही थी और मैं जितनी रोटी बनानी है उतनी मैं बनाते रही हूँ। और धूप अब अच्छी खासी हो गई थी, 9:30 के आसपास का भी कुछ टाइम हो गया था, और 9:30 में ऐसा लगता है ना कि दोपहर के 12:30 एक बज रहे हैं, इस टाइप से हो जाता है। तो बस अभी हमारा खाना भी अभी बन चुका है लगभग, और हमारे घर में मतलब ससुराल में दाल सुबह बन जाता है और चावल भी सुबह बन जाता है, क्योंकि पापा मॉर्निंग टाइम में खाते हैं, अगर कम होता है तो फिर दोपहर के टाइम में भी बनता है। और यहाँ पे बस मीनाक्षी ने इधर उधर घूमती है तो बस हम लोग उसको ही देखते हैं, क्योंकि अभी नया नया चलना सीखी है, काफ़ी अच्छा लगता है उसको देख के, एकदम इधर उधर दौड़ती रहती है। अभी हमारा खाना लगभग बन चुका है, तोरी की सब्ज़ी बनी है मतलब नेनुआ की, और यहाँ पे ये जो बोरे दिख रहे हैं ना, मम्मी को इसमें से कुछ निकालना था तो ये सारे बोरे में आई थिंक ना चावल है इसमें, अभी अभी जो फसल हुई थी ना चावल की, तो वो सारे हैं कुछ यहाँ पे लेके आया गया है और सारा कुछ वहीं से सेल हो जाता है हमारा। तो इसमें से मम्मी यहाँ दिखा रही थी कि इसमें एक में या दो में शायद गेहूँ है, कुछ एक साथ ही सारा कुछ ही आ गया था घर से, तो यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि फिर ना हम इसको बाहर नहीं रख सकते, आंधी पानी आने पे सब ख़राब हो जाएंगे ना, तो फिर ये हमारा भी काफ़ी टाइम तक चलेगा भी। और बस इसको ठीक करने कुछ निकालना था उनको, चावल वगैरह कुछ जैसे खोइंचा देना था, तो इसमें से ही मम्मी ने निकाला था फिर उसको रखी। और अभी स्पर्श की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल, तो ना इसको इनको दवा खिलाना है, तो अभी ये उसको ना मतलब नॉर्मल हम दवा खिला रहे थे फीवर का, बट उसको फिर एंटीबायोटिक देना ही पड़ेगा, रात में इतना ज़्यादा खांस रहा था ना और बहुत ज़्यादा परेशान था। तो बस मम्मी यहाँ पर कुछ इनसे कर रही हैं बातें और पापा भी अभी खड़े हैं दरवाजे पर,
और यहाँ पे मैं बोली ना कि आप मेडिसिन बना दो उसके बाद हम दे देंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा उसको रिलैक्स हो जाए। वैसे तो हम नाइट टाइम में देंगे तब भी ज़्यादा अच्छे से होगा, इधर ये सोया हुआ है। तो मेडिसिन दे के वो भागने लगा था दूर दूर एकदम से। तो ये होता है ना कि इसमें तो लिक्विड पहले से ही आता है, तो उसको मिक्स करना था ज़रा सा। और मम्मी जी इनसे बातें किए जा रही थी, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, और बताना ब्लॉग कैसा लग रहा है। पापा, Bye, take care, love you all.